नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपना दल से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर सोशल मीडिया पर एक शख्स को अभद्र कमेंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर केस दर्ज कर लिया है। फेसबुक पर सरदार मुंशी रामपाल वर्मा नाम के शख्स की आईडी से अनुप्रिया पटेल के बारे में एक अशोभनीय पोस्ट डाली गई थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और फेसबुक पोस्ट करने वाले सरदार मुंशी रामपाल वर्मा के खिलाफ शहर के कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कर्नलगंज थाना प्रभारी कुलदीप सिंह सेंगर ने बताया कि पुलिस आरोपी शख्स की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लिखी गई अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर 23 जुलाई को एक दारोगा ने कर्नलगंज थाने में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने पोस्ट लिखने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। कहा है कि अगर बीच बचाव के लिए सांसद ना आते तो वो उन पर हाथ उठा सकते थे। बंगाल सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद शांतनु सेन ने बताया कि पुरी ने मुझे बुलाया, पुरी ने मुझे जिस वक्त बुलाया था तब उनके हाव भाव बुरे थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे धमकाया और मेरे साथ बदसलूकी भी की। वो मेरे साथ मारपीट करने वाले ही थे कि मेरे सहयोगी मेरे बचाव में आ गए। हालांकि बाद में जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब वो अपने बयान से पलट गए और कहा कि मैं इस पर बयान नहीं दूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अपने बयान से पलट गए हैं सांसद शांतनु सेन। टीएमसी सांसद ने पहले तो आरोप लगाया था कि उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया उनके साथ बदसलूकी की गई, लेकिन बाद में अपने आरोप से पलट गए और कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता और इस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा, अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो अपने बयान से पलट गए हैं टीएमसी सांसद। तो अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार का घेराव करते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को असंभव बताया है। तो वहीं पूर्व पीएम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए कठिन समय आ रहा है। स्वामी ने कहा कि अगर मैं 2019-20 से 2024-25 तक जीडीपी को 2 गुना करके $5 ट्रिलियन करने की बात करता हूं तो इसके लिए मुझे हर साल जीडीपी विकास दर 14.8 प्रतिवर्ष की जरूरत होगी, और अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा आर्थिक नीति उस दर को हासिल नहीं कर पाएगी तो क्या मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं? उन्होंने पूछा क्या मुझे गैलीलियो वाली यह समस्या है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यह हाल 1991 जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तैयार रहना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का हाल 1991 जैसा ही होने वाला है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी ने इकॉनमी को लेकर चिंता जताई है, जहां एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये हाल 1991 वाला है। हालांकि आपको बता रहे हैं कि 1991 में जब इकॉनमी बहुत ज्यादा जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी उस वक्त मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है कि उन्हीं ने इस चीज को संभाला था। तो सुब्रमण्यम स्वामी तीखे हमले अपनी ही पार्टी पर करते रहते हैं, इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब उन्होंने खुद पीएम पर सीधे तौर पर हमला किया। गुजरात के अहमदाबाद में एक घर में एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट के चलते एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मध्य प्रदेश के गुना जिले के 7 मजदूरों की जान चली गई। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर दुख जताया है। शिवराज ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और नाबालिग मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले 7 लोगों में 4 नाबालिग हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार रात ट्वीट कर हादसे में गुना जिले के मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। मृतकों के परिवारों के घायल व्यक्तियों के इलाज का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि अहमदाबाद में गुना के श्रमिकों की मौत से वो दुखी हैं। तो हादसे में 7 लोगों की जान गई थी, जिस पर सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताते हुए कहा है कि हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनको 4-4 लाख रुपए
व जो नाबालिग हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में फोटो खिंचवाते वक्त एक महिला की बंदूक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि फोटो लेते वक्त लापरवाही से बंदूक का ट्रिगर दब गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। वहीं विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या गोली मारकर कर दी गई। पुलिस ने 4 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला की बंदूक के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 2 लाख कैश मांग रहे थे। मृतका की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। मृतका के पति, ससुर, सास और जेठ के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल जारी है। ससुराल पक्ष के बयान की भी जांच की जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसके बाद इसी महिला की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जहां एक तरफ ससुराल पक्ष का कहना है कि गोली लगने से मौत हुई है, वहीं मायके पक्ष का कहना है कि दहेज हत्या का ये पूरा मामला है, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो खुशी की बात है, मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही पहला मेडल दिलाया है। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। इस सफलता पर देश में लोग उनको बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मीराबाई को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। किरण रिजिजू ने कहा, मीराबाई चानू ने पहले ही दिन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश भर में उत्साह बढ़ाया है। देश भर के लिए बहुत गर्व की बात है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मीराबाई चानू बहुत ही मेहनती लड़की हैं। उन्होंने मेडल जीतने का वादा किया था और उसे पूरा किया। पूर्व खेल मंत्री ने आगे कहा, मेरे लिए खास खुशी का दिन है क्योंकि मैं सभी खिलाड़ियों से पर्सनल संपर्क में था। एक एक खिलाड़ी की जरूरत और समस्याओं को बारीकी से देखा है। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही कहा था कि सरकार की ओर से किसी खिलाड़ी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मीराबाई चानू को बीच में चोट लग गई थी, उनको अमेरिका ले जाया गया था जहां उनका इलाज हुआ। तो देश के लिए गर्व की बात, ओलंपिक्स की शुरुआत होते ही मीराबाई चानू ने आज पदक जीता है, जिसके बाद उनको बधाई देने का तांता लग गया है। सोशल मीडिया पर भी बधाई संदेश उनको भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद किरण रिजिजू ने उनकी बधाई की, उनको बधाई संदेश दिया और साथ ही उनकी तारीफ की है। भारत की साइको मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन का भार उठाया है। इसी के साथ उन्होंने कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया। बता दें कि चानू से पहले सिडनी ओलंपिक 2000 कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। कर्णम मल्लेश्वरी ने इस वक्त कुल 240 किलोग्राम भार उठाया था। वो स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा की दादरी विधानसभा में कांग्रेस घर घर तक गंगा जल पहुंचाएगी। जी हां, शनिवार को युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और बताया कि वो लोग दादरी विधानसभा में हर गांव, हर सेक्टर के हर घर तक गंगा जल पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि सावन के पहले दिन से इस गंगा जल संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि गंगा जल के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास एक संकल्प पत्र भी होगा, जिसे पढ़कर कार्यकर्ता लोगों को सुनाएंगे और घर घर में गंगा जल और संकल्प पत्र देंगे। इसी को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दीपक चोटीवाला ने ग्रेटर नोएडा के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता में विधानसभा स्तरीय गंगा जल संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हुए दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि यह यात्रा दादरी विधानसभा के सभी गांवों, सेक्टरों को कवर करेगी। इस यात्रा के दौरान गंगा जल की बोतल के साथ एक संकल्प पत्र भी आम लोगों को दिया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दायरा बढ़ाना है, बल्कि सामाजिक रूप से भी युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सके। 2 महीने तक चलने वाली गंगा जल संकल्प यात्रा के दौरान 1 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है।
तो आपको बता दें कि कांग्रेस गंगा जल संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, इसके साथ ही क्या ये हिंदू कार्ड खेलने जा रही है कांग्रेस, ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आया है। तो वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कहर के बीच राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। बारिश से बने हालात और भूस्खलन की वजह से राज्य में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे मंडल में भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के चलते 84,452 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया उनमें 40,000 से ज्यादा लोग कोल्हापुर जिले से हैं। अधिकारियों के मुताबिक कोल्हापुर शहर के पास पंचगंगा नदी साल 2019 में आई बाढ़ के स्तर से भी ऊपर बह रही है। पुणे और कोल्हापुर के साथ ही मंडल में सांगली और सतारा जिले भी आते हैं। सतारा भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मृतकों में से 38 लोगों की मौत तटीय रायगढ़ जिले में भूस्खलन होने से हुई है। इस बीच देश के मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार शाम सतारा जिले के लिए नया रेड अलर्ट जारी कर अगले 24 घंटों में जिले के पर्वतीय घाट इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। जहां भूस्खलन के बाद करीब 30 लोग लापता हैं, वहीं पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोल्हापुर जिले में एक बस के एक नदी में बहने से ठीक पहले उस पर सवार 8 नेपाली श्रमिकों समेत 11 लोगों को बचा लिया गया है। भारी तबाही की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भूस्खलन और पानी भर जाने के करीब 30 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर कोल्हापुर जिले की ये तस्वीरें, जहाँ पर हाल बुरा है, घरों के अंदर पानी बह चुका है और इसके चलते 30 लोगों के लापता होने की खबर है। मुंबई में व्यापारी राज कुंद्रा और उनके IT प्रमुख रयान थोर्प को एक मजिस्ट्रेट ने 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। वहीं क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के राज कुंद्रा और उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर पहुंचने के बाद भी काफी ड्रामा देखने को मिला। उन्होंने कथित तौर पर शिल्पा शेट्टी से सवाल किया कि क्या उन्हें अश्लील फिल्मों के निर्माण में अपने पति की कथित संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी थी। हालांकि क्राइम ब्रांच ने अपने अधिकारियों की तरफ से कुंद्रा शेट्टी के घर के दौरे पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि उनका मानना है कि कुंद्रा की तरफ से कथित तौर पर पोर्नोग्राफी से कमाए धन का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए किया गया था। माना जा रहा है कि क्राइम ब्रांच पैसे के लेन देन की जांच कर रही है। शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज करने और मामले से संबंधित दस्तावेज एकत्र करने के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी राज कुंद्रा को वापस जेल ले गए। दरअसल मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर छापा मारने और पूछताछ करने गई थी।
वहीं शुक्रवार को उनके घर पर हुई गतिविधियों के संबंध में दंपत्ति या उनके वकीलों की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मुंबई पुलिस ने अब तक राज कुंद्रा सहित 10 लोगों को पोर्न फिल्मों के निर्माण में कथित संलिप्तता और उन्हें मोबाइल ऐप के जरिए प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस साल फरवरी में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में यह मामला दर्ज किया गया था और जिसके बाद 27 जुलाई तक के लिए राज कुंद्रा की हिरासत बढ़ा दी गई है। वहीं भारत में शनिवार को कोरोना वायरस महामारी के 39,097 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 546 नई मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 408,970 और इसी के साथ अब तक कुल 420,016 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से कुल 35,087 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और इसी के साथ अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 3,05,03,166 तक पहुंच गई है। देश में बीते 45 दिनों से संक्रमितों की संख्या 1,00,000 की संख्या से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 42,87,799 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। आपको बता दें अब तक देश में कुल 42,78,82,261 लोगों में कोविड वैक्सीन के टीके दिए गए हैं। वहीं 23 जुलाई तक जांचे गए नमूनों की संख्या लगभग बताई जा रही है, जिनमें से 16,31,266 नमूने शुक्रवार को जांचे गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मार गिराए गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि बांदीपुर मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मिली एक विशेष जानकारी के आधार पर पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने पहले इलाके को घेरा और इसके बाद एक तलाशी अभियान की शुरुआत की। इसी दौरान आतंकियों की मौजूदगी वाले जगह पर सुरक्षा बलों के पहुंचते ही आतंकवादी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है, जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वहीं पूर्णिमा है, और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हों तो स्वाभाविक है कि ये ज्ञान संसार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, त्याग और तितिशा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन को पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, यह आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र और 8 मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा, बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस दिशा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन का केयर विथ प्रेयर इनिशिएटिव ये भी बहुत प्रशंसनीय है। श्रावस्ती में बच्चों के झगड़े के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
सीतापुर में कोरोना के चलते करीब 80 एम्बुलेंस खड़ी खड़ी कबाड़ बन गई। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल से यूज में ना लाने के चलते 108 एम्बुलेंस पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है, जिसका प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हालत हो चुकी है एम्बुलेंस की। 102 और 108 एम्बुलेंस हैं, बीते कई सालों से इसी तरह खड़ी हैं, उपयोग में नहीं लाई गई, जिसके बाद इनकी हालत खस्ता हाल है। कबाड़े की तस्वीरें, कबाड़ में जिस तरीके से एम्बुलेंस पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। तो खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी है एम्बुलेंस की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से जो एम्बुलेंस इस्तेमाल में ली जानी चाहिए थी उनका कई वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुआ, और खड़े खड़े किस तरह से एम्बुलेंस कबाड़ हो गई वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2020 के शुरुआत से ही लमसम में मतलब न्यू वाली गाड़ी आ गई थी, तब से खराब खड़ी कर दी ये पुरानी गाड़ियाँ, और अब जो है नई आ गई जब से, हाँ 2019 के वो 20 के शुरुआत से तब से ये खड़ी कर दी। क्योंकि जो पेंडेमिक पीरियड है, पेंडेमिक पीरियड में एम्बुलेंस की बहुत ही इम्पोर्टेंस थी, और जिस तरह से कोरोना काल में तमाम ऐसी शिकायतें भी आई थी कि लोगों ने 108 पे फ़ोन किया और कॉल सेंटर पे फ़ोन होने के बाद एम्बुलेंस पहुंचने में देरी हुई, क्योंकि एम्बुलेंस पे कहीं ना कहीं ये जानकारी भी प्रकाश में आई कि कुछ एम्बुलेंस उस समय ठीक नहीं थी, जबकि गवर्नमेंट ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया था। तमाम एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उस समय पर्याप्त नहीं होने की भी तमाम शिकायतें आईं। तो मुझे लगता है कि इस पैंडामिक पीरियड में प्रशासन को निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी एम्बुलेंस खराब ना रहे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 70 एम्बुलेंस खराब पड़ी है, तो ये सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कासगंज शाहजहांपुर में कल हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 5 शवों के गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना सिड़पुरा क्षेत्र के गांव नगला भदौरिया का ये पूरा मामला तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, जिसके बाद शव जब गांव पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष मनीषा सिंह ने कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी और अश्लील हरकतों का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बैठक में भी मनीषा सिंह ने आपके पदाधिकारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया, पर शिकायत के बावजूद आला कमान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बता दें कि मनीषा सिंह ने आप बीती रिकॉर्ड कर वीडियो को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।